हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम रागी डोसा बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। अगर आप टेस्टी के साथ साथ हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप रागी, 1 कप ब्राउन राइस। अगर आपके पास ब्राउन राइस नहीं तो आप कोई भी राइस का यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप धुली उड़द की दाल, 1/4 कप चना दाल, 1/2 टीस्पून मेथी दाना। सभी को एक बड़े बर्तन में डालेंगे और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मसलते हुए 2 से 3 बार धो लेंगे। तो 3 बार धोने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे 6 से 8 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। 6 से 8 घंटे बाद ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे और अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन हमें इसे नहीं पीसना है, बिल्कुल हल्का सा दरदरा हो तो इस प्रकार से हमें इसे पीस कर तैयार करना है। तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी पीस कर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सी जार में पानी डालेंगे और इसे हिलाकर इसी में डाल देंगे। हमें पीसते समय ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बेटर ज़्यादा पतला हो गया तो डोसा बनाने में परेशानी होगी। तो अब हम इसे ढककर किसी भी गर्म जगह पर ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। रात भर बेटर को हमने ढककर छोड़ दिया था। ज़्यादा तेज ठंड होने के कारण इतना अच्छा फर्मेंट नहीं होता है जितना गर्मी के दिनों में होता है। तो बेटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम डोसा बनाएंगे। तो पैन को हमने गर्म कर लिया है, गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और अब हम 1/2 कप बेटर को सेंटर में डालेंगे और इसे सेंटर से गोल घुमाते हुए फैलाएंगे। ऊपर से जब ये ड्राई होने लगेगा तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। थोड़ी देर बाद इसे पलटेंगे और केवल 1/2 मिनट इसे नीचे से हल्का सा सेकेंगे और इसे फिर से पलट कर निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से दूसरा बनाएंगे। इसी प्रकार से हम सारे डोसे बनाते जाएंगे और इसे गर्मा गर्म रेड चटनी, कोकोनट चटनी या सांभर के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।